तो चलिए शुरू करते हैं। तापसी समय के सिने पर सर रख बोली, डेविड मुझे ऐसे नहीं बैठना। समय उसके बालों से खेलते हुए, आपको दे से बैठना हो बैठ जाओ, लेकिन अपने डेविड से दूर नहीं। तापसी समय की गोद से उठ वापिस उसकी गोद में बैठ गई। पहले वो दोनों पैर एक साइड कर समय के सिने से लग के बेदी हुई थी, लेकिन अब वो समय की कमर पर दोनों पैर लिपट के उसके सिने में चेहरा छुपा के किसी बिल्ली के बच्चे की तरह उसे चिपक कर बैठ गई। समय ने भी उसे अच्छे खुद के करीब कर लिया। उसके बैठने के तरीके से समय के चेहरे पर सुकून भरी स्माइल आ गई। राहुल, वरुण, राघव समय के सामने रखे सोफे पर बैठे हुए ये सब देख रहे थे। राहुल अपनी बहन को समय के इतने करीब देख जीतना उसे खुश होना चाहिए, उसे कहीं ज्यादा डरा हुआ था। अब डर किस बात का है वो तो आपको पता ही होगा। समय एक नाम नहीं आग है जिसके नाम तक से राहुल कांप रहा था। तापसी समय के सिने पर अपना गाल रब करते हुए बोली, डेविड अब बताओ ना दादा आपकी गोद में क्यों बैठे हुए थे। समय तापसी को फिर से वही सवाल पूछता देख उसके सर को प्यार से चूम के कहा, आपके दादा अपनी गलती की माफी मांग रहे थे और मैंने उनको माफ कर दिया, जिसे सुन वो मेरी गोद में चढ़ गए। तापसी समय की बात को सच मान अपना सरहा में हिला दिया। थोड़ी देर में तापसी फिर से गहरी नींद में चली गई। समय उसकी धीमी चलती सांसें अपने सीने पर महसूस कर अपने सोफे के साइड में लगा बटन प्रेस किया, जिसे सोफे अपने आप बेड में बदल गया। समय तापसी को धीरे से साइड में लेता के उसे ब्लैंकेट से कवर कर उसके सर को सहलाने लगा। वरुण समय को देख अब आगे क्या करना है, समय कैसे हम क्यूटी को प्रोटेक्ट करेंगे। समय तापसी के चेहरे को बिना इमोशन के देखते हुए, जो करना है मैं करूँगा, किसी को भी मेरे और मेरी बटरफ्लाई के बीच आने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बटरफ्लाई को अकेले प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। समय मल्होत्रा कौन है वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। राघव, रंजीत राय सिघानिया के साथ मितिक फिक्स करो, मुझे देखना है वो मेरी दुश्मनी लायक है भी या नहीं, या ये दोनों ऐसे ही उसे डर रहे हैं। समय के मुंह से रंजीत राय सिघानिया का जिक्र सुन वरुण राहुल के साथ राघव खुद भी हैरान हो गया। वरुण समय से सवाल पूछता, तुम कहीं उसके सामने क्यूटी को लाने की तो नहीं सोच रहे। राहुल उसकी बात सुन हैरान होके समय की ओर देख, क्या तुम क्यूटीपाई को उसके सामने ले जाने वाले हो। समय दोनों के सवाल को इग्नोर को अपनी सोती हुई बटरफ्लाई को बड़ी सिद्ध से देखने लगा। उसकी आंखों में जुनून साफ नजर आ रहा था। जुनून से अलावा भी कुछ ऐसी चीज थी जो किसी ने नहीं देखी। एक अंधेरे कमरे में एक लड़का जमीन पर लेता हुआ था। उसकी आंखें लाल थी, आंखों के नीचे काले दाग शरकल बने हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़े भी काफी गंदे हो चुके थे, जैसे कई दिनों से नहाया ना हो। उसकी सेव भी काफी बढ़ चुकी थी। कमरे में हर तरफ सिगरेट के खाली पैकेट, जले हुए सिगरेट के टुकड़े, बियर वाइन की बोले पड़ी हुई थी। लड़का एक लड़की की तस्वीर को सिने से लगा के बोला, तुम सिफे मेरी हो, कोई तुझे मुझसे दूर कर अपने पास रख बोलेगा कि तुम उसकी हो तो क्या तुम उसकी हो जाओगी। बिल्कुल नहीं, मैं जानती हूँ तुम सिफे मेरी हो, सिफे मेरी, मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरी बेबी, मेरी स्वीटी। बहुत जल्द मैं तुम्हें उसकी कैद से छुड़ा लाऊंगा और अपना बनाऊंगा। तब पीछे से एक लड़के की आवाज आए जो बोल रहा था, सीधा ये तूने अपनी क्या हालत बना के रखी है, तू कब तक ऐसे ही यहाँ बंद होके रहने वाले हो, भूल जा इसे, अब ये तेरे भाई की हो चुकी है, तुझे कोई और मिल जाएगी। मेरे भाई होश में आ, जी हाँ ये कोई और नहीं सिद्धार्थ है, समय का छोटा भाई, और जो उसे समझाने आया है वो मयंक है, उसका दोस्त सिद्धार्थ। उसकी बात सुन गुस्से में पास पड़ी बिया की बोतल उठा के उस लड़के की ओर फेंक के बोला, मुझे कोई और नहीं वही चाहिए, मुझे सिफे मेरी तापसी चाहिए। सुना तूने, मुझे सिफे मेरी स्वीटी चाहिए, वो मेरी है, मेरे का ने भाई ने उसे जबरदस्ती अपने पास कैद करके रखा है। वो का ना मेरी स्वीटी को पता नहीं कैसे रखता होगा, पता नहीं उसने मेरी स्वीटी के साथ क्या क्या किया होगा, उसने मेरी मासूम स्वीटी को कितना दर्द दिया होगा। वो मासूम मुझे याद कर रही होगी, मुझे बुला रही होगी, तुझे पता है वो राक्षस कितना खतरनाक है, हम तक उसके सामने कुछ नहीं बोल सकते, तो मेरी मासूम स्वीटी को क्या ही बोलेगी।
मयंक अपने दोस्त की हालत देख अपना सर ना में हिला दिया। उसने कमरे की सारी लाइट ऑन कर एक नजर कमरे की हालत देखी, जो पूरी तरह सिगरेट की स्मेल, बियर की खाली आधी भरी बोतल से भरा हुआ था। मयंक पहले जाके कमरे की खिड़की दरवाजे खोल दिए, जिसे ताजी हवा अंदर आ सके। सिद्धार्थ की हालत देख मयंक अपनी आंखें बंद कर अपने बालों में हाथ घुमा के उसके पास जाके बोला, तू उसे ऐसे अपने पास लाएगा, ऐसे तू उसे मिलेगा। तूने अपनी हालत देखी है, तुझे क्या लगता है वो तुझे ऐसे देख तेरे पास आएगी या तुझसे दूर जाएगी? मयंक सिद्धार्थ के पास बैठ उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देख सिद्ध, अगर तुझे तापसी को वापिस हासिल करना है तो तुझे खुद को पहले वाला सिद्धार्थ बनाना होगा। पहले जो सिद्धार्थ था वो अपने दिल से नहीं, दिमाग से सोचता था। अगर तुझे तेरे भाई से अपनी तापसी को वापिस लाना है तो वापिस सिद्धार्थ मल्होत्रा बनना, की ऐसे मजनू की तरह देवदास बन। देवदास बनने से कुछ नहीं होगा। सिद्धार्थ उसकी बात सुन तापसी की फोटो को किसी साइको की तरह देख बोला, अगर मुझे मेरी तापसी के लिए बुरा बनना पड़ा तो मुझे वो भी मंजूर है। मैं कुछ भी करूँगा, किसी भी हद तक जाऊंगा, लेकिन अपनी चीज वापिस हासिल करके रहूंगा। मयंक सिद्धार्थ की बात पर अपना सर हिला दिया। अगली सुबह समय तापसी को अपने हाथों से रेडी कर नीचे आ गया। आज विला में काफी शांति थी, जैसे विला में कोई होना या फिर ये खतरे के आने से पहले की शांति हो। कुछ होने से पहले जो शांति होती है वही से माहौल होल में था। समय ने जैसे ही नीचे कदम रखा, होल की हालत देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। समय होल में नजर घुमा के अपनी कोल्ड वॉइस में, यहाँ हो क्या रहा है? सारे सर्वेंट एक लाइन में खड़े थे। होल के हर जगह धुआं ही धुआं था, जैसे आग लगने के बाद होता है, बिल्कुल वैसे कुछ जलने की स्मेल भी आ रही थी। तापसी ने स्मेल से बचने के लिए अपने छोटे से नाक पर हाथ रख दिया। समय की कोल्ड वॉइस सुन वहां खड़े सर्वेंट डर से कांपने लगे। उनमें से एक सर्वेंट जो वहां का हेड सेफ था, उसने आगे समय के आगे सर झुका के कहा, सर सर्व वो दो सर किचन में है। समय उस सेफ की बात सुन आंखें छोटी कर किचन की ओर देखा, जहां से काफी धुआं निकल रहा था। तापसी किचन की ओर देख समय के सिने में मुंह छुपा के बोली, डेविड दादा क्या बना रहे हैं, स्मेल कितनी गंदी आ रही है। तापसी अपनी छोटी सी नाक समय के सिने में रगड़ते हुए बोली। समय ने तापसी को गोद में उठाया हुआ था। तापसी ने कहा भी था कि वो चल सकती है, लेकिन समय ने उसकी एक नहीं सुनी। वो अपनी बटरफ्लाई को खुद से एक सेकंड के लिए भी दूर करना नहीं चाहता था। उसे डर था कि वो अगर तापसी को खुद से दूर करेगा तो वो उसे दूर हो जाएगी, जो समय अब कभी होने नहीं देगा। समय एक नजर सारे सर्वेंट को देख अपनी कदक आवाज में बोला, जाके सारी खिड़की दरवाजे खोलो और इस स्मेल को दूर करो, वरना तुम सबकी खैर नहीं। सर्वेंट समय की धमकी सुन तुरंत वहां से ऐसे भागे जैसे उनके पीछे किसी ने शेर छोड़ दिया हो। तापसी समय की सट को मुट्ठी में भर बोली, मुझे भूख लगी है डेविड, लेकिन मैं वो खाना नहीं खाऊंगी, वो गंदा है। समय तापसी की बात सुन उसके सर को प्यार से सहला के, नहीं मेरा बच्चा, आपको वो खाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने बच्चे को वो खाना नहीं खाने दूंगा। हम आज बाहर नाश्ता करेंगे और हमने जो बनाया उसका कया, राहुल वरुण ने किचन से बाहर आते हुए कहा। समय तापसी दोनों की आवाज सुन उनकी ओर देखने लगे। उन दोनों को देख समय की आंखें छोटी हो गई। वो उनको ऐसे देखने लगा जैसे कोई जोकर देख रहे हो। समय दोनों की हालत देख आंखें छोटी कर बोला, ये तुम दोनों ने अपनी क्या हालत बनाई है और किस बेवकूफ ने तुमको किचन में जाने को कहा था? राहुल वरुण उसकी बात सुन अपना मुंह बना के एक साथ बोले, हमने तो तेरे लिए नाश्ता बना रहे थे। राहुल अपने हाथ पकई खाने की प्लेट समय को दिखा के बोला, देखना भाई, मैंने तेरे लिए कितनी मेहनत से पेनकेक बनाया है और मैंने तेरी मनपसंद ब्लैक ब्राउनी बनाई, साथ में बॉइल वेजिटेबल भी बनाया। वरुण ने अपने हाथ में पकड़ी प्लेट दिखा के बोला। समय दोनों के हाथों में पकई प्लेट को देख अपनी आंखें और छोटी हो गई। तापसी अपने भाइयों के हाथ में खाने की प्लेट देख उसे घुर घुर के बोली, दादा इसे पेनकेक कहते हैं।
राहुल पेनकेक को देखा, क्यूटी ये पेनकेक होते हैं जिसे मैंने बनाए, आज तू भी इसे खाके खुश हो जाएगी। ऐसे तो मैंने ये अपने यार के लिए बनाए हैं, लेकिन तू हमारी क्यूटी है इसलिए तू भी इसे खा सकती है। राहुल अपने पेन की ऐसे तारीफ कर रहा था जैसे उसने दुनिया के सबसे अच्छे पेनकेक बनाए हो। पास खड़े सेफ उनके पेनकेक देख उनकी आंखों से आंसू आ गए। एक सेफ दूसरे सेफ के कंधे पर हाथ रख, सर अगर इसे पेनकेक कहते हैं तो हम जो बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला सेफ अपने आंसू पोंछ के बोला, मेरा किचन, इन्होंने मेरे पूरे किचन को बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या करूं? अगर ये ऐसे ही रोज आते रहे तो हम क्या करेंगे? दूसरा सेफ, हम बड़े सर से बात करते हैं, वही हमें बताएंगे। दोनों सेफ जाके समय के पैरों गिर गए। समय जो राहुल वरुण के खाने को घूर रहा था वो दोनों सेफ के ऐसे पैरों में गिरने से उन दोनों को देखने लगा। बड़ा सेफ, समय के पैरों में गिर बड़े सर, हमारे किचन को बचा लीजिए, ये दोनों उसे बर्बाद कर देंगे, प्लीज सर हमारे किचन को बचा लीजिए। दूसरा सेफ, सर अगर ये लोग ऐसे ही आते रहे तो हम मर जाएंगे, प्लीज सर एंड से हमारे किचन को बचा लीजिए। दोनों सेफ की बात सुन राहुल वरुण की आंखें छोटी हो गई। समय दोनों सेफ को खड़े होने का बोल उनको किचन संभालने को कहा। राहुल वरुण ने बनाया नाश्ता, देख कोई जानवर भी उसे ना खाए, यहाँ तो बात इंसानों की थी। समय दोनों को घूर के बोला, जाके अपना हुलिया ठीक करो, आज हम बाहर नाश्ता करेंगे और आज के बाद खाना बनाने की गलती मत करना, जो खाना है सेफ को बोल देना। राहुल अपने पेन को देख मुंह बना के, लेकिन समय मैंने तेरे लिए इतने प्यार से पेन केक बनाए है, तू एक बार टेस्ट भी नहीं करेगा। समय उसके पेन को बुरी तरह घूर के बोला, ये पेन केक अगर मैंने गलती से भी टेस्ट कर लिया तो मैं यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाऊंगा। बेवकूफ, कहीं के इसे पेन केक नहीं काला जेहा कहते हैं, और तूने जो ब्राउनी बनाई है वो ब्राउनी कम कोयला ज्यादा लग रहा है, और ये क्या है? बॉइल वेजिटेबल, तुमको किस गधे ने कहा? पानपल वेजिटेबल में आता है, और ये सब क्या डाला है उसमें? वरुण वेजिटेबल सूप देख दांत दिखा के बोला, वो मैंने ने फ्रिज में जो कुछ भी दिखा वो सब इस सूप में डाल दिया, और मुझे पता है तुझे तीखा ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए इसमें चॉकलेट चिप्स आइसक्रीम भी डाल दी। समय उसकी बात सुन अपने दोनों पागल दोस्त को देख नामे सर हिला दिया, जैसे कहना चाहता हो इन दोनों का कुछ नहीं होगा। समय तापसी को गोद में लिए बाहर जाते हुए बोला, 15 मिनट में तुम दोनों तैयार होके नीचे नहीं आए तो यही रेह के अपना बनाया हुआ नाश्ता कर लेना। समय इतना बोल तापसी को लेके बाहर चला गया। राहुल वरुण भी अपना बनाया खाना साइड पर रख वहां से अपने कमरे की ओर भागे तैयार होने के लिए। कुछ देर बाद समय तापसी राहुल वरुण राघव के साथ शहर के सबसे बड़े इटालियन फ्रेंच रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, जो कि समय का ही था। समय अपने रेस्टोरेंट में सबको लेके आया है, ये बात सिर्फ राघव को पता है। राघव को समय के कुछ बिजनेस के बारे में पता था, जैसे कनिसो होटल और अब रेस्टोरेंट, बाकी इनलीगलर बिजनेस भी है जो राघव को भी नहीं पता। तापसी टिमटिमाती आंखों से समय को टुकुर टुकुर देख रही थी, जो उसे यहाँ भी अपनी गोद में लेके बैठा था। उसने कार में भी तापसी को सीट पर नहीं बैठने दिया। तापसी समय को इसलिए भी देख रही थी क्योंकि उसे कल से समय कुछ बदला लग रहा था। पहले समय उस पर गुस्सा करता था, ओद देता था, उसे दरा धमका के रखता था, लेकिन अब वो उसे ओद तो देता है लेकिन प्यार से अब वो उसे बच्चों जैसे ट्रीट कर रहा है। समय तापसी के गालों को प्यार से सहला के, बच्चा आप क्या खाओगी? आपको जो भी खाना है बोलो, मैं आपको वो सब खिलाऊंगा जो मेरा बच्चा बोलेगा। तापसी उसे 10 कदम की दूरी पर खड़े मैनेजर को देख समय से बोली, डेविड ये हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? जैसे हमने इनकी कोई चीज ली हो, ये कब से यही खड़े है और हमें देख रहे हैं। रेस्टोरेंट का मैनेजर जो वहाँ तब से था जब से समय के वहाँ आने की बात उसे पता चली, वो स्पेशली समय के लिए खुद ऑर्डर लेने आया था, वो नहीं चाहता था समय यहाँ गुस्सा हो जाए और उसकी जोब और जान दोनों पर आ बने। राहुल अपने पेन को देख मुंह बना के, लेकिन समय मैंने तेरे लिए इतने प्यार से पेन केक बनाए है, तू एक बार टेस्ट भी नहीं करेगा?
समय उसके पेन को बुरी तरह घुर के बोला, ये पेन केक अगर मैंने गलती से भी टेस्ट कर लिया तो मैं यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाऊँगा। बेवकूफ कहीं के इसे पेन केक नहीं काला जेहा कहते हैं, और तूने जो ब्राउनी बनाई है वो ब्राउनी कम कोयला ज्यादा लग रहा है। और ये क्या है बोई वेजिटेबल, तुमको किस गधे ने कहा पानपल वेजिटेबल में आता है, और ये सब क्या डाला है उसमें। वरुण वेजिटेबल सूप देख दांत दिखा के बोला, वो मैंने ने फ्रिज में जो कुछ भी दिखा वो सब इस सूप में डाल दिया, और मुझे पता है तुझे तीखा ज्यादा पसंद नहीं है इसलिए इसमें चॉकलेट चिप्स आइसक्रीम भी डाल दी। समय उसकी बात सुन अपने दोनों पागल दोस्त को देखना में सर हिला दिया, जैसे कहना चाहता हो इन दोनों का कुछ नहीं होगा। समय तापसी को गोद में लिए बाहर जाते हुए बोला, 15 मिनट में तुम दोनों तैयार होके नीचे नहीं आए तो यही रेह के अपना बनाया हुआ नाश्ता कर लेना। समय इतना बोल तापसी को लेके बाहर चला गया। राहुल वरुण भी अपना बनाया खाना साइड पर रख वहां से अपने कमरे की ओर भागे तैयार होने के लिए। कुछ देर बाद समय तापसी राहुल वरुण राघव के साथ शहर के सबसे बड़े इटालियन फ्रेंच रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, जो कि समय का ही था। समय अपने रेस्टोरेंट में सबको लेके आया है, ये बात सिर्फ राघव को पता है। राघव को समय के कुछ बिजनेस के बारे में पता था, जैसे कनिसो होटल और अब रेस्टोरेंट, बाकी इनलिगला बिजनेस भी है जो राघव को भी नहीं पता। तापसी टिमटिमाती आंखों से समय को टुकुर टुकुर देख रही थी, जो उसे यहाँ भी अपनी गोद में लेके बैठा था। उसने कार में भी तापसी को सीट पर नहीं बैठने दिया। तापसी समय को इसलिए भी देख रही थी क्योंकि उसे कल से समय कुछ बदला लग रहा था। पहले समय उस पर गुस्सा करता था, ओद देता था, उसे डरा धमका के रखता था, लेकिन अब वो उसे ओद तो देता है लेकिन प्यार से अब वो उसे बच्चों जैसे ट्रीट कर रहा है। समय तापसी के गालों को प्यार से सहला के, बच्चा आप क्या खाओगी, आपको जो भी खाना है बोलो, मैं आपको वो सब खिलाऊंगा जो मेरा बच्चा बोलेगा। तापसी उसे 10 कदम की दूरी पर खड़े मैनेजर को देख समय से बोली, डेविड ये हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे हमने इनकी कोई चीज ली हो, ये कब से यही खड़े है और हमें देख रहे हैं। रेस्टोरेंट का मैनेजर जो वहाँ तब से था जब से समय के वहाँ आने की बात उसे पता चली, वो स्पेशली समय के लिए खुद ऑर्डर लेने आया था, वो नहीं चाहता था समय यहाँ गुस्सा हो जाए और उसकी जॉब और जान दोनों पर आ बने। एसएम मल्होत्रा। समय की कार थोड़ी देर में एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर आके रुकी। बिल्डिंग के बाहर एसएम मल्होत्रा लिखा हुआ था। ऑफिस अमेरिका का सबसे बड़ा और नंबर वन ऑफिस था। समय का ये ऑफिस उसके बाकी बिजनेस के साथ भी जुड़ा हुआ था। यहाँ कम से कम 40 फ्लोर थे। उसका केबिन सबसे ऊपर था, 41 फ्लोर पर। उसके हर फ्लोर पर उसने एक अलग मैनेजर असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाए हुए थे। कुछ डिपार्टमेंट काफी सीक्रेट रखे थे, जहाँ जाना किसी को भी मना था। ऑफिस में काम कर रहे सभी ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया हुआ था, जिसे समय ने खुद बनवाया था। जो भी उसके साथ काम करता उसे सबसे पहले इस पेपर पर साइन करनी पड़ती। उसमें ऑफिस के नियम थे और कुछ नियम ऑफिस के बाहर भी उनको मानने पड़ते थे। वो लोग ऑफिस की किसी भी बात को ऑफिस के बाहर बात नहीं कर सकते थे। समय के ऑफिस के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है, जहाँ बाकी ऑफिस में उनके एम्प्लॉय की गलती पर थोड़ी बहुत दांतपोर सजा मिलती है, वही यहाँ गलती की कोई माफी नहीं होती। यहाँ हर गलती की एक ही सजा होती है, वो है मौत भी कोई आसान नहीं होती। समय के किसी भी गादर के हाथों मरना उतना ही दर्दनाक होता है जितना समय के हाथों मरना। लेकिन यहाँ काम करने के कुछ फायदे भी थे, जैसे उनको बाकी ऑफिस से ज्यादा सैलरी मिलती, उनके नाम के आगे एसएम का नाम लगता, लोग उनको एसएम की ऑफिस में जॉब करने की हैसियत से जानते। यहाँ काम करने वाले हर लड़का लड़की का करियर बन जाता। समय के हाथ के नीचे काम करना हर एक का सपना था। वहाँ जितने भी लोग ज्वाइन किए जाते उनको 3 इंटरव्यू को क्लियर कर एक खास ट्रेनिंग दी जाती। अगर वो उस ट्रेनिंग को पार करते तब जाके उनको वहाँ काम करने का मौका मिलता। ट्रेनिंग 6 महीनों की होती, जहां उनको सारे रूल्स को अच्छे से समझाया जाता। उनको वो सारी ट्रेनिंग दी जाती जो समय ने तय की हुई थी।
समय के रूल्स जीतने खतरनाक थे उसे कहीं खतरनाक उसका गुस्सा था। उसके ऑफिस में काम करने वाले सभी लोग समय से काफी डरते थे। वो लोग सुबह के 8 बजे से रात के 10 बजे तक इस डर में काम करते कि कहीं समय को गुस्सा ना आ जाए। समय अपने सारे एम्प्लॉय के साथ काफी स्ट्रिक्ट था। समय की कार के आगे 3 कार थी और पीछे 4। पहले के गादौस बाहर आए, फिर राघव पे बाहर आके समय के साइड का डोर ओपन किया। समय तापसी का हाथ पकड़ कार से बाहर निकला। तापसी ने पूरे रास्ते जिद कर समय को मनाया कि वो उसे गोद में ऑफिस ना ले जाए। वो सबके सामने अजीब नहीं लगना चाहती थी, इसलिए उसने समय के सामने काफी हाथ जोड़े, तब जाके समय माना। समय तापसी का हाथ पकड़ ऑफिस के अंदर जाने लगा। राघव उसके पीछे चल रहा था। समय के आने की आहट से ही फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल शांत हो गया। जहां थोड़ी देर पहले कुछ बात करने की हलचल थी, अब वहां सिर्फ लोगों के काम करने की आवाज आ रही थी, वो भी उनकी उंगलियों की जो कंप्यूटर पर चल रही थी। समय की पर्सनल सेक्रेटरी जो कब से समय के आने का इंतजार रिसेप्शन पर कर रही थी, वो समय के आने की आहट से स्माइल करने लगी। समय रोब से चल के अंदर आ रहा था, जैसे कोई राजा अपने दरबार में आ रहा हो। उसे चलने पर आसपास खड़े सभी लोग अपना सर झुका के उसे ग्रीट कर रहे थे। समय की सेक्रेटरी समय को देख अपनी लस्ट भरी नजरों से उसे घूर रही थी। अभी तक उसने तापसी को देखा नहीं था, ना ही किसी और एम्प्लॉय ने तापसी को देखा था। तापसी समय के छिपे चल रही थी। समय ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो काफी तेज चल रहा था जबकि तापसी काफी स्लो चल रही थी। समय लगभग उसे खींचते हुए चल रहा था। तापसी के 2 कदम समय के 4 कदम बराबर थे। राघव तापसी के पीछे चल रहा था। वो तापसी को ऐसे चलते देख समय के पास तेज कदमों से आके बोला, बोस थोड़ा आराम से चलिए, मैडम आपकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकती। राघव की बात सुनते ही समय के कदम अपनी जगह पर रुक गए। उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसका छोटा सा बच्चा नजरें झुका के उसे 4 कदमों की दूरी पर खड़ा था। समय उसका पकड़ा हुआ हाथ हल्के से खींचा, जिसे तापसी सीधा उसके करीब चली गई। तापसी समय के बिल्कुल पास आ गई थी। समय उसके कमर पर हाथ रख उसे पूरी तरह खुद से चिपका लिया। ये सब उसने सबके सामने किया था। सब आंखें फाड़े समय को देख रहे थे। वहां खड़े सबकी नजर तापसी पर थी। सारे एम्प्लॉय अपने बॉस के साथ एक लड़की को देख हैरान थे। समय को किसी से कोई मतलब नहीं था, उसे तो अब सिर्फ अपनी बटरफ्लाई से मतलब था। समय तापसी के गाल पर उंगली से सहला के अपनी नम आवाज में, बच्चा आप और नहीं चल पाओगी, आपके छोटे से पैरों में दर्द होगा, मैं आपको फिर से गोद में उठा लेता हूँ। तापसी अभी कुछ बोल पाती उसे पहले समय ने बिना उसका जवाब सुने उसे तुरंत गोद में उठा लिया। तापसी अपनी झील सी आंखें भरी कर उसे देखती रही। समय ने उसे 4 कदम भी चलने नहीं दिया और उसे वापिस गोद में उठा लिया। समय अब कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो रहा था। समय सबको इग्नोर कर सीधा अपनी पर्सनल लिफ्ट से ऊपर चला गया। फर्स्ट फ्लोर के सारे एम्प्लॉय वैसे ही सोगद होके खड़े थे। समय की सेक्रेटरी की जो स्माइल थी वो भी चली गई थी। राघव सबको किसी स्टैचू की तरह खड़ा देख अपना गला साफ कर कोल्ड वॉइस में, टाइम वेस्ट करने की भी यहाँ सजा होती है जो मुझे लगता है आप सब भूल गए हो, इसलिए अपने ये एक प्रयासन बदलो और काम पर वापिस लगो। यहाँ कोई मूवी नहीं चल रही। और जेनी बोस के लिए कॉफी के साथ मैडम के लिए दूध और कुछ नाश्ता लेके केबिन में आ जाना। जेनी उस सेक्रेटरी का नाम है। राघव आगे जाते हुए रुककर वापिस सबकी ओर देख बोला, और वन मोर थिंग, वो लड़की हम सबकी लेडी बोस है। जैसे आप सब SM के नाम से उनकी इज्जत करते हो, वैसे ही मैडम की भी करना शुरू कर दो। अगर तुम सब में से किसी के कारण भी मैडम को इतनी सी प्रॉब्लम हुई तो उसका अंजाम मौत से भी खौफनाक होगा, इसलिए एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, अब जब भी मैडम यहाँ आए तो उनको प्यार से पोलाइट होके बात करना, वरना आगे तो तुम सब समझदार हो। समय का केबिन उसके विला के ऑफिस रूम की तरह ब्लैक और ग्रे था। उसका इंटीरियर काफी डार्क था। तापसी समय की गोद में बैठे हुई पूरे केबिन को देख रही थी। समय केबिन में आके तापसी को नीचे उतार के अपनी किंग चेयर पर जाके बैठ गया। तापसी पूरे केबिन को गौर से
देखने लगी वहाँ की दीवारों से लेके सोफे पर्दे सब डार्क ग्रे कलर के थे। वहाँ लगी पेंटिंग भी काफी बुरी थी या रू कह लो डरवानी थी। समय लैपटॉप ऑन कर काम शुरू कर कहा, बच्चा आप अच्छे से केबिन देख लो फिर आके मेरी गोद में बैठ जाना। तापसी समय की आवाज सुन उसकी ओर देख के मासूमियत से बोली, डेविड आप अच्छे से अपना काम कीजिए, मैं वहां सोफे पर बैठ जाऊंगी। समय उसकी सोफे पर बैठने वाली बात सुन उसकी आंखें कोल्ड हो गई। अपनी नजरें उठा के उसे देख कोल्ड वॉइस में बोला, आप मेरे करीब बैठोगी, मुझसे दूर नहीं। मैंने आपको नीचे इसलिए उतारा ताकि आप केबिन देख सको, ना कि मुझ से दूर जाके कहीं और बैठो। लेकिन डेविड आप तापसी इसे आगे कुछ बोलती उसे पहले समय की शक आवाज ने उसे चुप कर दिया जो कह रहा था, मैंने आपसे एक बार कह दिया कि आप मेरी गोद में बैठोगी तो आप मेरी गोद में बैठोगी, कहीं और नहीं सुना आपने। समय इस बार काफी तेज चिल्ला के बोला। उसकी कोल्ड वॉइस सुन तापसी घबरा के उसके पास भाग के जाके उसकी गोद में बैठ उसके सिने से चिपक गई अपनी दोनों हाथ उसके गले में डाल उसके सिने में चेहरा छुपा के कांपने लगी। समय को जब उसका कांपना महसूस हुआ तब उसे एहसास हुआ कि उसने काफी कोल्ड वॉइस में अपनी बटरफ्लाई से बात की है, लेकिन वो करता भी क्या, उसके दूर बैठने वाली बात पर उसे गुस्सा आ गया, इसलिए उसका पहला वाला रूप अपने आप बाहर आ गया। समय अपनी आंखें बंद कर खुद को सांट कर उसकी पीठ से हिला के नम आवाज में बोला, क्यों बच्चा आप डेविड को गुस्सा दिलाती हो, आप जानती हो ना मैं आपको खुद से एक पल के लिए दूर नहीं कर सकता। जब से मुझे पता चला है आप मेरी बटरफ्लाई हो तब से मैं आपको खुद से एक सेकंड के लिए दूर नहीं कर सकता। फिर आप क्यों दूर बैठने की जीत कर रही हो, आप जानती हो ना मैं आपसे एक पल की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आप कभी मेरी बात मत काटना, अब चलो शांत हो जाओ और जाके अच्छे से केबिन देख लो, वहां से आपको पूरे शहर का व्यू भी दिखेगा जो आप वो देखो। तापसी समय के कोट को मुट्ठी में भर नामे सर हिलाने लगी। समय उसकी ना देख उसके सर को प्यार से सहला के कहा, मेरा खरगोश का बच्चा डर गया, मैंने आप पर गुस्सा किया इसलिए आप नहीं जाना चाहती। तापसी उसकी बात सुन अपना सरहा में हिलाने लगी। समय उसके सर को प्यार से चूम उसके चेहरे को हाथों में भर पूरे चेहरे को चूमके लास्ट में उसके नमर रुई से होठ को अपने होठ से दबा दिया। समय ने ये सब तापसी का दर कम करने के लिए किया था, लेकिन जैसे ही उसके होठ अपने होठ से मिले समय सब कुछ भूल उसे किस करने लगा। समय उसके निचले होठ को पूरे पेशन से चूमने लगा। तापसी उसके किस करने से अपनी आंखें कसके बंद कर उसकी सट को कसके मुट्ठी में पकड़ ली। समय धीरे धीरे उसके होठों का रस पीने लगा। समय का एक हाथ उसकी कमर को कसके पकड़े हुए था और दूसरा उसकी कमर पेट को सहला रहा था। समय का हाथ धीरे धीरे कर उसकी टोप के अंदर चला गया। अभी वो और कुछ करता उसे पहले केबिन का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज सुन तापसी तुरंत समय से अलग हो गई। समय को तापसी का ऐसे अलग होना बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो अभी और किस करना चाहता था। समय को गुस्सा उस पर आ रहा था जिसने बीच में आके उसे डिस्टर्ब किया। वो अभी तक पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हुआ था, उसे और अपने बच्चे के होठों का रस पीना था, उसे और भी बहुत कुछ करना था, लेकिन तापसी ने उसे खुद से अलग कर दिया। इसलिए समय को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन अपने बच्चे पर नहीं जिसने उनको डिस्टर्ब किया। समय तापसी के सर को वापिस अपने सिने पर रख अपनी लाल हो चुकी आंखों से सामने देखा जहां उसकी सेक्रेटरी जोया खड़ी थी। जोया अपनी जलन गुस्से में सबसे बड़ी गलती कर दी, उसने बिना नोक किए समय के केबिन में कदम रखा, वो भी उस टाइम पर जब समय तापसी के करीब था। जोया ने जब तापसी को समय के करीब देखा तो उसकी आंखें जलन नफरत से भर गई। जोया समय को मन ही मन पसंद करती थी। समय राघव के बाद उसे ही पूरे ऑफिस में थोड़ी बहुत बात करता था जिसे जोया ने गलत समझ लिया। जोया को लगता था समय उसे पसंद करता है और वो समय की वाइफ बनेगी, वो मिसी समय मल्होत्रा बनेगी, अमेरिका की क्वीन बनेगी। लेकिन जब आज उसने तापसी को समय के साथ देखा उसके सारे सपने टूट गए। जोया वैसे तो अपने काम में काफी माहिर है, वो समय को शिकायत का एक मौका नहीं देती, वो सब काम बिना बोले
करती दिखने में भी अच्छी है लेकिन हमारी तापसी से ज्यादा नहीं। जोया से समय की बाकी सेक्रेटरी भी जलती थी क्योंकि जोया के रहते उनको समय के पास जाने का एक मौका नहीं मिलता था। जिसे सब जोया से काफी जलती थी। समय की जितनी भी सेक्रेटरी थी सब समय पर मरती थी। सब समय को पाने के सपने देखती थी। कोयल तो समय के साथ एक रात बिताने तक तैयार थी लेकिन हमारा समय किसी को एक नजर देखता तक नहीं था। उसके लिए सिर्फ अपना काम सबसे पहले था और उसकी सनक उसकी बटरफ्लाई। समय ने बचपन से तापसी के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचा तक नहीं था। समय के गुस्से से पूरा ऑफिस ही नहीं अमेरिका भी डरता था। सारे बिजनेसमैन समय से दुश्मनी मोड़ लेने से डरते हैं। समय अपनी जलती नजरों से जोए देख रहा था जो सब कुछ भूल तापसी को नफरत भरी नजरों से देख रही थी। जिसे समय अच्छे से समझ चुका था। समय को जोया का अपनी बटरफ्लाई को देखना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने हाथ से तापसी के चेहरे को छुपा के उसके चेहरे को पूरी तरह अपने सीने से लगा के अपनी गुस्से भरी आवाज में जोया देख बोला, ये क्या हरकत है तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई ऐसे अंदर आने की? ऑफिस के रूल्स शायद तुम भूल चुकी हो मिस जोया, जो इतनी बड़ी गलती कर दी और उसे बड़ी गलती अब कर रही हो। जोया के कानों में जैसे ही समय की गुस्से भरी आवाज गती वो बुरी तरह कांप गई। उसके कदम अपने आप पीछे हो गई। जोया को जब अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने गुस्से जलन में कितनी बड़ी गलती कर दी, उसी वक्त राघव ने केबिन के बाहर आके नोक किया। समय कोल्ड वॉइस में बोला, कम इन। राघव अंदर आके एक नजर जोया को देखा जो दर से कांप रही थी। फिर उसे इग्नोर कर समय के पास जाके बोला, बोस 15 मिनट में मीटिंग है। उसने अपने हाथ से तापसी के चेहरे को छुपा के उसके चेहरे को पूरी तरह अपने सीने से लगा के अपनी गुस्से भरी आवाज में जोया देख बोला, ये क्या हरकत है तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई ऐसे अंदर आने की? ऑफिस के रूल्स शायद तुम भूल चुकी हो मिस जोया, जो इतनी बड़ी गलती कर दी और उसे बड़ी गलती अब कर रही हो। जोया के कानों में जैसे ही समय की गुस्से भरी आवाज गती वो बुरी तरह कांप गई। उसके कदम अपने आप पीछे हो गई। जोया को जब अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने गुस्से जलन में कितनी बड़ी गलती कर दी, उसी वक्त राघव ने केबिन के बाहर आके नोक किया। समय कोल्ड वॉइस में बोला, कम इन। राघव अंदर आके एक नजर जोया को देखा जो दर से कांप रही थी। फिर उसे इग्नोर कर समय के पास जाके बोला, बोस 15 मिनट में मीटिंग है। तापसी को समय की गोद में देख राघव को कोई फर्क नहीं पड़ा। इतने दिनों में उसे इस सब की आदत हो गई थी। वो जोया की हालत देख समझ गया कि इसने जरूर कुछ किया है। समय तापसी के सर को प्यार से सहला के बोला, बच्चा आप जाके फ्रेश हो जाओ, फिर हमें मीटिंग में जाना है। वहाँ टाइम लगेगा इसलिए आप पहले फ्रेश हो जा, फिर कुछ खा लो। तापसी समय की बात सुन अपना सर उठा के समय के चेहरे को देखने लगी जो बिना इमोशन के उसे ही देख रहा था। तापसी धीरे से खड़ी होके बिना जोया को देखे बाथरूम में चली गई। तापसी के जाते ही केबिना का टेम्परेचर बदल गया। 3 ऐसी के बाद भी राघव जोया को पसीने आने लगे। राघव अपने सर पर आए पसीने को साफ कर खुद से बोला, किस गधे ने कहा था तुझे इस वक्त केबिन में आने के लिए? थोड़ी देर बाद नहीं आ सकता था? इस बेवकूफ लड़की के कारण ये डेविड डेविल बना हुआ है। इसे पहले इस बेवकूफ के साथ तेरा भी शिकार हो यहाँ से निकलने में भलाई है। राघव जल्दी कुछ सोच वरना तू भी गया। राघव मन ही मन केबिन से निकल रास्ता ढूंढने लगा। जोया का दर से बुरा हाल हो रखा था। वो पूरी तरह पसीने में भीगी हुई थी। उसका शरीर दर से कांप रहा था। चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों में आंसू आ चुके थे। वो किसी भी वक्त बाहर आने को तैयार थे। समय जलती नजरों से उसे देख अपना हाथ गदन के पीछे फिरा के बोला, अपनी सजा तो पता ही होगी या फिर मैं याद दिलाओ? जोया सजा सुनते ही और डर गई। उसका चेहरा पीला पर गया। उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। जोया माफी मांगना तो चाहती थी लेकिन उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। जोया की हालत देख राघव मन में बोला, बहुत शोक था बोस पर नजरे डालने का। अब मिलाओ नर्ज इस बेवकूफ को। नीचे वार्निंग दी थी लेकिन कहते हैं ना, जिसका टाइम बुरा चल रहा हो उनको खतरे का लाल निशान भी हरा दिखता है। अब
खुद मुसीबत मोली है तो खुद निपटे। उसी वक्त समय की खतरनाक हंसी पूरे केबिन में गूंज उठी। उसकी हंसी की गूंज इतनी खौफनाक थी कि राघव तक घबरा गया। राघव खुद समय की हंसी सुन अपने घुटने टेक दिए। समय जोया को लाल नजरों से देख डेविल स्माइल कर बोला, लगता है मुझे नई सेक्रेटरी रखनी होगी। जोया नई सेक्रेटरी सुन घबरा गई। वो तुरंत समय के आगे घुटने टेक माफी मांगने लगी। जोया रोते हुए समय के आगे गिरगिरा के बोली, सर हमें माफ कर दीजिए, प्लीज सर हमें माफ कर दीजिए, मुझे जॉब से मत निकालिए, मुझे जॉब से मत निकालिए, मैं इतने साल से आपकी सेक्रेटरी की पोज पर काम कर रही हूँ, हमने कभी कोई गलती नहीं की, हमेशा ईमानदारी से अपना काम किया है, प्लीज सर हमें माफ कर दीजिए, एक मौका दे दीजिए सर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, हमेशा अपना सर झुका के रखूंगी, आप जो बोलोगे जैसा बोलोगे सब मानूंगी, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए, एक आखिरी मौका दे दीजिए, राघव सर प्लीज आप सर को बोलिए ना मुझे माफ कर दे, मैं ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूंगी, मुझे जॉब से ना निकाले, अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं कहां जाऊंगी, मेरा पूरा घर मेरी जॉब से चलता है, मेरी माँ की दवाई ओ का खर्चा, छोटी बहन की पाई, सब मेरी इस जॉब से निकलता है, प्लीज सर मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो, मुझे माफ कर दो। जोया काफी रो रही थी, अपनी की हुई गलती की माफी मांग रही थी, समय के आगे हाथ पैर जोड़ रही थी, उसे सच में अपनी गलती की पछतावा था। राजन को भी जोया की हालत देख तरस आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, वो समय के गुस्से का सामना नहीं कर सकता था, उसे पता था जोया बुरी लड़की नहीं है, सिफ़े थोड़ी बिहक चुकी थी, समय को देख कोई भी लड़की कैसे खुद को उसे प्यार करने से रोक सकती है, समय जैसे होट हैंडसम अमीर बिलियनर को प्यार करने से कोई भी लड़की खुद को नहीं रोक सकती। समय को जोया के माफी मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे जोया के रोने से तड़पने से कोई मतलब नहीं था, वो अभी भी गुस्से में था, उसकी आंखें अभी भी लाल थी, उसका पत्थर दिल सिफे और सिफे अपनी बटरफ्लाई के लिए पिघल सकता है, किसी और के लिए नहीं। तब तक तापसी भी बाहर आ गई। तापसी की नजरें सबसे पहले जोया राघव पर गई जो अपने घुटनों पर बैठे थे, फिर समय पर जो इमोशनलेस होके उसे ही देख रहा था। समय अपना हाथ उठा के तापसी को अपने पास आने का इशारा किया। तापसी भी एक अच्छी बच्ची की तरह समय के पास जाके उसकी गोद में बैठ गई। समय उसके सर को चुम उसे ठीक से अपनी गोद में बिठा लिया। तब तक तापसी भी बाहर आ गई। तापसी की नजरें सबसे पहले जोया राघव पर गई जो अपने घुटनों पर बैठे थे, फिर समय पर जो इमोशनलेस होके उसे ही देख रहा था। समय अपना हाथ उठा के तापसी को अपने पास आने का इशारा किया। तापसी भी एक अच्छी बच्ची की तरह समय के पास जाके उसकी गोद में बैठ गई। समय उसके सर को चुम उसे ठीक से अपनी गोद में बिठा लिया। तापसी नजरें घुमा के राघव जोया को देख समय से बोली, डेविड ये लोग ऐसे क्यों बैठे हैं, क्या तुमने इनको सजा दी? समय तापसी के सवाल पर बिना राघव जोया को देख तापसी के बालों से खेलते हुए कहा, बेबी मैंने किसी को सजा नहीं दी, आपको लगता है कि तुम्हारा डेविड बिना गलती के किसी को सजा दूंगा? तापसी अपनी टिमटिमाती आंखों से ना में सर हिला के समय की आंखों में देख बोली, तो फिर राघव भाई और ये दीदी ऐसे क्यों बैठे हैं और ये दीदी रो क्यों रही है? समय अपनी गदन पीछे हाथ फिर आंखें रोल कर कोल्ड वॉइस में राघव समय के मुंह से अपना नाम सुनते ही राघव तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वो खुद सोच रहा था कि वो घुटनों पर क्यों बैठा था जबकि उसने तो कोई गलती भी नहीं की। राघव अपना सर खुजा के समय से, सॉरी सर, वो आपकी गुस्से वाली आवाज सुन घबरा गया। तापसी राघव को खड़ा देख जोया को देख बोली, दीदी आप भी खड़ी हो जाओ, डेविड आपको पनिश्ड नहीं करेगे, वो बहुत अच्छे हैं, क्यूटी से बहुत प्यार करते हैं, आपने गलती की हो तो डेविड से सॉरी बल्द, वो आपको माफ कर देंगे। जोया भीगी आंखों तापसी को देख हाथ जोड़ के बोली, सॉरी मैम मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए मैम, मैं आगे से कभी सर को उस नजरों से नहीं देखूंगी। तापसी उसकी बात ना समझ समय की ओर देख, डेविड ये दीदी किस गलती के लिए सॉरी बोल रही है, इन दीदी ने क्या किया है मुझे तो कुछ नहीं पता,
समय अपनी मासूम खरगोश के सवाल सुन राघव जोया को लेके जाने का इशारा किया। राघव भी समय का एक इशारा देख तुरंत जोया को लेके वहां से चला गया। समय आज की सारी मीटिंग कैंसल। उनके जाने के बाद समय तापसी को गोद में उठा के सोफे पर आ गया। पहले उसने तापसी को अपने हाथों से लंच खिलाया, फिर उसे लेके मीटिंग अटेंड करने चला गया। मीटिंग के दौरान भी तापसी को उसने अपनी गोद में ही बिठाया रखा। तापसी को समय की गोद में रहने की अब तक आदत हो चुकी थी। लोग उसे किस नजर से देखे उसे कोई मतलब नहीं था। मीटिंग में सबकी नजरें तापसी पर थी। सब उसे अपने बॉस के साथ देख हैरान थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ भी पूछ सके। पूरी मीटिंग के दौरान समय के चेहरे पर एक जैसे एक्सप्रेशन थे, बिल्कुल इमोशनलेस जैसे वो हमेशा रखता था। तापसी पूरा वक्त उसके सीने से लग उसकी शर्ट के बटन के साथ खेलती रही। समय ने भी उसे कुछ नहीं कहा। तापसी पूरी मीटिंग में समय के सीने से ऐसे लगी थी जैसे कोई बच्चा अपने डेट के गले लगा हो। समय को तापसी को ऐसे रखना पसंद था। उसे तापसी को अपने करीब रखना अच्छा लगता था। उसका बस चलता तो वो तापसी को खुद में समा लेता, उसे एक पल भी खुद से दूर नहीं जाने देता। अगर वो जाना भी चाहती तब भी वो उसे जाने नहीं देता। मीटिंग 2 घंटे से चल रही थी, अभी भी वो सब मीटिंग में थे। इस बीच हमारी तापसी बोर होके समय की गोद में ही सो गई। राघव तापसी को सोया हुआ देख समय से कहा, बोस मेम सो गई है, आप उनको सोफे पर लेता दीजिए। समय उसकी बात सुन उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो उसे जान से मार देगा। राघव समय की आंखें देख घबरा गया। उसने अपनी नजरें झुका के सिर्फ एक वक्त कहा, सॉरी। समय तापसी को खुद से और चिपका के सबको अपनी जलती नजरों से देख, मीटिंग कंटिन्यू करो। अगर किसी ने भी अब मेरी बटरफ्लाई को देखने की या अपनी बकवास राय देने की कोशिश की तो उसका आज आखिरी दिन होगा। समय की ऐसी धमकी सुन वहां मौजूद सारे एम्प्लॉय अपनी नजरें झुका के मीटिंग करने लगे। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि नजरें उठा के समय को देख सके। दूसरी ओर अफगानिस्तान में कोई था जो अमेरिका आने की तैयारी कर रहा था। उसका आना समय तापसी की जिंदगी में क्या तूफान लाएगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो भी होगा आपके लिए मसालेदार तूफान से भरा होगा और रोमांस से भरा भी होगा। रोमांस भी ऐसा जैसा किसी ने सोचा नहीं होगा। उसके आने के बाद शुरू होगी कहानी का रियल पार्ट। अफगानिस्तान एक बड़े से राजमहल देसे विला में एक आदमी किंग की तरह अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके आगे पीछे कई आदमी खड़े थे। 2 आदमी के हाथ में कुछ पेपर थे और एक के हाथ में टैब जिसे वो सामने लगी स्क्रीन पर वीडियो प्ले कर रहा था। वो वीडियो किसी और की नहीं समय तापसी की थी। विला और ऑफिस के बाहर की फुटेज थी जो समय तापसी को लेके रेस्टरूम गया था। वहां से लेके उसके ऑफिस तक की आदमी सारी वीडियो को देख शयानी हंसी हंसते हुए बोला, जंगल के शेर कमजोरी मिल ही गई, अब आएगा इस शतरंज के राजा को हराने में बहुत रूप दिखा रहा था, अब शुरू होगी इसके अंत की शुरुआत। आदमी की बात सुन उसके पास बैठा लड़का बोला, डेड मुझे ये गर्ल चाहिए, आई वॉन्ट सी, आपको जो करना है करो, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे ये लड़की अपने बिस्तर पर चाहिए। अगर आपने इसे खरोच भी पहुंचाई तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। इसकी झीलसी आंखें, इसकी मासूमियत मुझे पागल कर रही है। ये वीडियो में कितनी सुंदर लगती है तो सोचो सामने से कितनी सुंदर होगी। डेड इस जैसी परी को देख डेविल क्या कोर भी पिघल सकता है। ये सच में एक परी है, बिल्कुल एक अप्सरा। मुझे ये किसी भी हालत में चाहिए, इसकी सॉफ्टनेस मुझे छूनी है, उसे रोज अपने नीचे देखना चाहता हूँ। आदमी अपने बेटे की बात सुन सिगरेट की कष्ट लेके बोला, वो तुझे मिल जाएगी, इसके लिए तुझे पहले अमेरिका जाना होगा। तुझे वहां जाके क्या करना है तू जानता है, मैं जब तक वहां आ नहीं जाता तू अपनी परी को उठा ले। आदमी अपने बेटे की बात सुन सिगरेट की कष्ट लेके बोला, वो तुझे मिल जाएगी, इसके लिए तुझे पहले अमेरिका जाना होगा। तुझे वहां जाके क्या करना है तू जानता है, मैं जब तक वहां आ नहीं जाता तू अपनी परी को उठा ले। लड़का अपने डेट की बात सुन खतरनाक तरीके से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि वहां मौजूद बाकी आदमी दर से अपने कदम पीछे ले लिए।
लड़का खड़ा होके अपनी शर्ट के आगे के बटन लगाते हुए बोला, इस परी के करीब जाने के लिए आपके बेटे को शरीफ दिखना होगा डेड, उसके लिए मेरी पहले की इमेज क्लियर करनी होगी वरना मेरी परी डर जाएगी और मैं नहीं चाहता मेरी परी डर जाए। उस हुर को हासिल करने के लिए मुझे अपना शरीफ चेहरा उसके सामने लाना होगा और उस समय मल्होत्रा का भयानक चेहरा मेरी परी को दिखाना होगा, तब तो वो मेरी बनेगी। आदमी अपने पीछे खड़े आदमी को देख कुछ इशारा किया, फिर अपने लड़के को देख बोला, हो जाएगा तू जाने की तैयारी कर, तेरी पास्ट की पूरी हिस्ट्री मीत जाएगी। लड़का अपने आदमी को देख जैत तैयार कर। लड़का जाते हुए बोला, डेड आखिरी बार वोन कर रहा हूँ, मेरी परी पर एक खरोच नहीं आनी चाहिए, ना ही आपका कोई भी आदमी मेरी परी को छूना चाहे, वरना आप अच्छे से जानते हो रियाज मलिक क्या चीज है। खून भले ही आपका हूँ लेकिन तबाही में गुस्से में आपका भी बाप हूँ, ये बात आप अच्छे से जानते हो। मैं जब तक शांत हूँ तब सब सही है, जींस पल में रियाज बना, उस दिन आपकी ये बेकार टीम भी मुझे रोक नहीं पाएगी, इसलिए पहले ही वोन कर यहा हूँ। रियाज की बात सुन आदमी गुस्से में लाठी जमीन पर पटक के खड़ा होके, रियाज में कोई तुम्हारा आदमी नहीं हूँ, तुम्हारा बाप हूँ, थोड़ा तमीज से बात करना कब सीखोगे। रियाज आंखों पे गोगल्स लगा के बाहर जाते हुए बोला, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, जिसे मेरी बात पसंद नहीं हो उनकी प्रॉब्लम, रियाज मलिक वही करता है जो उसे सही लगता है। रियाज इतना बोल वहां से चला गया। आदमी उसकी बात पर गुस्से को शांत रखने के अलावा कुछ नहीं कर सका, उसे पता है उसका बेटा कैसा है, उसका गुस्सा कैसा है। अमेरिका समय की मीटिंग थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई थी, तब तक तापसी भी उठ चुकी थी। समय तापसी को लेके अपने केबिन में आ गया। तापसी समय की बाहों से आजाद होके पूरे केबिन में भागने लगी कि कहीं समय उसे पकड़ ना ले और वापिस उसे गोद में बिठा ना ले। समय उसे भागते देख मुस्कुरा के अपनी चेयर पर जाके बैठ गया। तापसी भागकर सोफे के पीछे खड़ी हो गई। समय उसे देख, बच्चा आराम से, आप गिर जाओगी और आपको चोट लग जाएगी, आप आराम से सब देखो, मैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लूँ, आप जब थक जाओ तो मेरे पास आ जाना, लेकिन इस केबिन से बाहर मत जाना, ठीक है बच्चा। तापसी उसकी बात सुन एक अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाने लगी। तापसी की हाँ देख समय स्माइल कर अपना काम करने लगा। काम करते हुए भी उसकी नजर बार बार तापसी पर जा रही थी। तापसी केबिन की हर एक चीज छुके देखने लगी, कभी वो फोटो फ्रेम छुटी तो कभी कोई फाइल समय के केबिन में एक शायद फाइलों के लिए एक कबर्ड बनाया हुआ था जिसमें समय के हर डिपार्टमेंट की इम्पोर्टेंट फाइल थी। साथ ही कुछ ऐसी फाइल भी थी जिसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसे सेव करना जरूरी था, लेकिन समय ने उसे ऐसे रखा था जैसे वो नॉर्मल फाइल में से एक है। राघव भी मितिक की जरूरी फाइल लेके केबिन में आ गया। राघव फाइल समय को देके साइड में खड़ा हो गया। तापसी राघव को एक नजर देख कांच की वॉल के पास जाके बाहर का व्यू देखने लगी। मीटिंग स्टार्ट हो गई। समय की ये वीडियो कॉन्फ्रेंस इटली के बिजनेसमैन जॉर्ज ट्रेविस के साथ है। जॉर्ज ट्रेविस इटली का जाना माना बिजनेसमैन है। समय के साथ उनकी मीटिंग पिछले 6 महीने पहले अपॉइंट की थी। जॉर्ज ट्रेविस ने खुद समय के साथ मीटिंग करने की बात रखी थी जिसे समय ने 6 महीने बाद हां कहा। जॉर्ज समय की मीटिंग शुरू हो गई। समय मीटिंग के दौरान बिच बिच तापसी को देख रहा था जो बाहर का व्यू देख मुस्कुरा रही थी। मीटिंग 1 घंटे तक चली। जॉर्ज ने समय से दूसरी मीटिंग आमने सामने फिक्स की। समय को इटली आने को इनवाइट किया। समय ने उनको इटली आने से पहले उनको अमेरिका आने को कहा। जॉर्ज ने भी समय की बात तुरंत मान ली। उसने नेक्स्ट वीक में अमेरिका आने को कहा। समय मीटिंग पूरी कर तापसी को देखा जो अभी भी उसी वॉल के पास खड़ी थी। समय सामने रखी फाइल देखते हुए खरगोश के बच्चे ऐसा तो क्या देख रहा है जो आपका ध्यान कब से बाहर है। यहाँ आओ बच्चा डेविड, अब आपको खुद से और दूर नहीं रहने दे सकता। अच्छे बच्चे की तरह डेविड के पास आ जाओ। तापसी समय की आवाज सुन अच्छे बच्चे की तरह उसके पास आके उसकी गोद में बैठ गई। समय ने उसे ठीक से खुद से चिपका लिया। तापसी समय के सिने में चेहरा छुपा के धीमी आवाज में बोली, डेविड आपने इतनी ऊपर ऑफिस कैसे बनाया।
तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।